हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिली पनीर की रेसिपी, जो मैंने आज ही बनाई है। यस, सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग चिली पनीर। सो इफ यू गाइस फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, देन कीप ऑन वॉचिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड माई रेसिपी, देन गिव इट अ थम्स अप। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं लूंगी 2 onions, 1 garlic, 1 ginger, 1 green chili और 1 capsicum। आप चाहे तो येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको मैं काट लूँगी। देन आई टेक 1 कढ़ाई, उस पे मैं ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी और गरम करने के लिए रख दूँगी। फिर मैं पनीर ले रही हूँ अमूल का, उसको मैरिनेट करने के लिए मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर 1.5 टीस्पून। उसके बाद मैंने लिया है तीखा लाल का रेड चिल्ली पाउडर, और इसको सिर्फ 1/2 चम्मच लेना है। और मैंने लिया है थोड़ा सा नमक, नमक बाद में भी डलेगा सो थोड़ा सा लेना है। और इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी, अच्छे से मैरिनेट करें ताकि आपके पनीर टूटना नहीं चाहिए। सो बस ऐसे रख दूँगी, फिर इसको फ्राई करना है। तो तेल गरम हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेना है ताकि जल ना जाए आपके पनीर। पनीर आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएंगे, तो आपको हार्ड नहीं करना है। थोड़ा सा फ्राई गोल्डन कलर आ जाए तो बस इतना ही काफ़ी है। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके, गोल्डन कलर आ चुका है तो मैं इसको उतार लूँगी। आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा सा एक गोल्डन कलर आया है, तो मस्त लग रहा है देखने में। तो इसके बाद मैं इसका मसाले का तैयार करूँगी। उसके लिए इस एक कटोरी में थोड़ा सा तीखा लाल का रेड मिर्च पाउडर लेना है, बस थोड़ा सा अमाउंट लेना है जितना की क्वांटिटी के अनुसार हो। कि इसमें थोड़ा सा पानी मिला के घोल लेना है और इसको साइड करके रखना है। आप देख सकते हो मैं कैसे इसको घोल रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देन आई एम टेकिंग कॉर्नफ्लोर पाउडर और उसका अमाउंट 1.5 टीस्पून, इट विल बी फाइन। फिर उसको भी पानी मिला के थोड़ा सा घोल लेना है, फिर इसको मैं साइड में रख दूँगी। फिर मैं गैस ऑन करके थोड़ा सा और ऑयल डाल के, ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें जिंजर और गार्लिक को डाल दूँगी। इसको थोड़ा सॉटे कर लूँगी। गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके रखे, फिर इसमें मैं डालूँगी प्याज जो मैंने काट के रखा था, इसको भी थोड़ा इसमें मिला लूँगी, लाइक सॉटे कर लूँगी। अनियन जब ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो इसका सॉटे हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें मेरी कैप्सिकम जो मैंने काट के रखा था उसको मैं डाल दूँगी, फिर इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। कैप्सिकम को बॉयल होना चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालना है नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बाद में हम सोया सॉस डालने वाले हैं जिसमें नमक ऑलरेडी होता है, तो नमक थोड़ा सा कम डालें। और इसको मैं ढक दूँगी ताकि थोड़ा बॉयल हो, बीच बीच में आप चलाते रहे ताकि नीचे लगे ना। नाउ आई विल पुट
विनेगर, ये नॉन फ्रूट विनेगर है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो खट्टा हो जाएगा आपका चिली पनीर। फिर मैं जो रेड चिली पाउडर घोला हुआ था वो डालूँगी। फिर मैं डालूँगी सॉस, यस टमेटो सॉस, आप थोड़ा सा डालें। अगर आपको ज़्यादा करी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, बट ध्यान रहे खट्टा हो जाने का चांस रहता है तो कम डालें। फिर मैं इसको मिला के इसको बैठने दूंगी। फिर मैं डालूंगी सोया सॉस, एकदम कम अमाउंट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर मैं सबको मिला के ग्रीन चिल्ली जो मैंने काट के रखा था उसको डालूंगी और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालते ही थोड़ा सा इसको बॉयल होना है, तो इसके लिए मैंने पानी डाला है, तो इसको बॉयल होना चाहिए और गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर ले, लाइक मीडियम फ्लेम में रखे। इसके बाद मैं मेरे पनीर जो मैंने फ्राई किया हुआ था वो मैं डाल दूंगी। इसका खुशबू ऑलरेडी आ चुका है, लाइक आई एम डाइंग फॉर दिस खुशबू। इसको थोड़ा सा चला लीजिए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा चीनी मिला रही हूँ, आप देख सकते हो एकदम थोड़ा सा मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है चीनी। फिर मैं लास्ट में डालूँगी जो मैंने कॉर्नफ्लोर का पाउडर थोड़ा सा घुल के रखा हुआ था, ये डाल दूँगी। ये डालने का मतलब है जो पानी मैंने डाला था उसके ये पूरा लिक्विडी फॉर्म में था, तो अब थोड़ा सा मिक्स होके ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा गाढ़ा बनेगा। सो इसको पूरे अच्छे से घोल ले, मिला ले। फिर थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसका प्लेट तैयार करूँगी। तो हमारा चिली पनीर इज डन, मैं इसका प्लेटिंग कर लूँगी। आप इसको नान के साथ खाएं, आप इसको पराठे के साथ खाएं, इसको फ्राइड राइस के साथ खाएं, बढ़िया बनेगा। और अभी तो लॉकडाउन है तो घर में ट्राई करें, आई होप ये अच्छा बनेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आई डोंट हैव स्कैलियन, तो मैंने इसमें मिंट का पत्ता डाला है, तो बस बन गया बढ़िया सा चिली पनीर। So that's it for this video. If you guys like my recipe, then give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel also, and do try this recipe at your home also, and don't forget to tag me on Facebook, Instagram. You can follow me there. My every handles are in my description below, and I have also shared this recipe in my description. You can definitely check it down, and I'll definitely see you in my next video. Till then, bye bye.